फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने संस्कृत के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम होना है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उनमें आने की प्रबल संभावना है फ्रेंड्स। तो आप बताइएगा टॉप 30 में आपके कितने मार्क्स प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आप अपना पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। पितामह इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पितामह इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम, मतलब पितामह जो है इसको विग्रह करने से कौन सा वाक्य बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, क्या पितु पति, पितु पिता, पितु पौत्र और पितु पुत्र। तो पितामह का करेक्ट आंसर, फ्रेंड्स आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर पितु पिता, पितु पिता करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चत्वार स्तः, चत्वार सती इति शब्द शोधियत, मतलब चत्वार सती शब्द का शुद्ध शब्द कौन है। फ्रेंड्स, हाँ, चत्वार शत में जो शब्द दिया है, चत्वार शत मतलब 40। फ्रेंड्स, चत्वार शत मतलब 40 जो है, 40 ये वाला, इसका शुद्ध शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से आप टिक करेंगे करेक्ट आंसर कौन सा। फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर चत्वारिशत, करेक्ट आंसर चत्वारिशत, सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर चत्वारिंशत। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, कण शब्द योगे विकृतस का विभक्ति प्रज्योते। तो काण जो है फ्रेंड्स, काण जो शब्द है, काण जो शब्द दिया है, इसमें कौन सी विभक्ति है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया फ्रेंड्स शब्द रूप, हाँ विभक्ति को ही फ्रेंड्स शब्द रूप बोला जाता है। तो काण जो शब्द दिया है, इसमें कौन सा शब्द रूप है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर काण। तो तृतीय करेक्ट आंसर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों तक ज़रूर पहुंचाइए और बताइए कि यहाँ पे मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, वयम शब्दस मूल रूपम किम। जो वयम शब्द दिया है फ्रेंड्स, वयम, तो इसका मूल रूप क्या है। फ्रेंड्स, वयम शब्द का मूल रूप क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर अस्मद, करेक्ट आंसर। फ्रेंड, अस्मद का मतलब क्या होता है, मैं, अस्मद का मतलब मैं होता है फ्रेंड्स, युष्मद का मतलब तुम होता है। ये फ्रेंड्स सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, सर्वनाम के अंतर्गत। इनकी भक्ति कैसी होती है फ्रेंड्स, इनकी भक्ति में आपको अस्मद और युष्मद की बताने जा रहा हूँ कि जैसे क्या होती है, अहम माम मया मयम मत मम मय। फ्रेंड्स, अस्मद की होती है, युष्मद की तुम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत त्वम त्वय। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि करेक्ट आंसर ये होगा। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर वयम शब्द का मूल अस्मद होगा, अस्मद करेक्ट आंसर, अस्मद। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर चलते फ्रेंड्स अपन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एवं इति कीदृशा पदम, मतलब एवं इति में से कौन सा पद है, इसमें कौन सा पद है। तो इति किस में आता फ्रेंड्स, आपको बताना है। इति क्या नपुंसक में आता है, पुलिंग में आता है, स्त्रीलिंग में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा इति यदा,
ये हमेशा अव्यय में आता है, अव्यय, अव्यय करेक्ट आंसर, अव्यय, अव्यय करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। चलत इसमें इत्यर्थ अर्थ का है, मतलब चलत ही, मतलब चलने में कौन सा अर्थ सही लग रहा आपको आपके हिसाब से, तो क्वेश्चन नंबर का आंसर बताएंगे फ्रेंड साहब 6 का। चलत इसमें का अर्थ है चचाल, चचाल करेक्ट आंसर, चचाल। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे अपन। अब फ्रेंड से देखिए, विपच्ची कायाम इति कस्य भक्ति वर्तते, मतलब विपच्ची कायाम शब्द है, इसमें कौन सी भक्ति है फ्रेंड्स? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, आप बताएंगे विपच्ची कायाम में कौन सी भक्ति है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर विपच्ची कायाम में सप्तमी भक्ति, सप्तमी भक्ति करेक्ट आंसर, सप्तमी भक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रज्वल्य इत्यत्र प्रत्यय कहा, प्रज्वल में प्रत्यय कौन सा फ्रेंड्स, प्रज्वल में प्रत्यय कौन सा है? प्रज्वल में यक, ले, लेप, प्रा। तो फ्रेंड्स प्रज्वल में प्रा उपसर्ग है और लेप प्रत्यय है, प्रा उपसर्ग है, उपसर्ग है, लेप प्रत्यय है, तो करेक्ट आंसर लेप, लेप करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। हाँ फ्रेंड ये देखिए, शब्द रूप से कन्फर्म है कि मतलब ये क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो सकार पूछ ले, दकार पूछ ले, हैं फकार पूछ ले, वकार पूछा है फ्रेंड्स इसने। दंतोष्ट क्या है? दंतोष्ट वकारस दंतोष्टम अस्ति, वकारस दंतोष्टम अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर वकार, वकार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, संधि बहुत डीपली जा रहा फ्रेंड्स, संधि से क्वेश्चन, तो आपको संधि में हर प्रकार की व्यंजन संधि जो संस्कृत में है फ्रेंड्स, उसके अंदर बहुत सारी संधियां आती हैं जो कि आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रामश्चिनोती इत्यस्य संधि कहा, रामश्चिनोती में कौन सी संधि है फ्रेंड्स? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएँ करेक्ट आंसर क्या है। तो रामश्चिनोती में कौन सी संधि है? सुटुत संधि है, सुचुत संधि है, समण दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर सुचुत संधि, सुचुत संधि। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है फ्रेंड्स आपके सामने। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मेरा प्रयास कैसा लग रहा फ्रेंड्स आपको, आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, और बताइए आपके 30 out of कितना मार्क्स प्राप्त कर पा रहे हैं वो भी आप मुझे बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप बताएंगे करेक्ट आंसर आपके हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये क्या दिया है, 1992, मतलब 1992 संख्या को शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दिए गए, आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर फोर्थ, फोर्थ करेक्ट आंसर है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। दध्वान इत्यस धातु कहा, दध्वान इत्यस धातु कहा, फ्रेंड्स दध्वान में कौन सी धातु है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे दध्वान में धातु कौन सी है। तो फ्रेंड्स बान, दध्वान में धातु कौन सी है आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ धातु और प्रत्यय दोनों में, दध्वान में धातु प्लस प्रत्यय बता रहा हूँ आपको, धातु प्लस प्रत्यय। तो दध्वान में ध्वन धातु प्लस कितवतु प्रत्यय, कितवतु, कितवतु प्रत्यय, दध्वान में ध्वन धातु और कितवतु प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ध्वन, ध्वन। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे अपन।
अभुवम इति कस्मिन् पुरुषे अस्ति, अभुवन में कौन सा पुरुष है। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे अभुवन में कौन सा पुरुष है, क्या उत्तम पुरुष है, क्या मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष में है, प्रथम है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर उत्तम पुरुष करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते फ्रेंड्स अपन। अत्र हेमंत ऋतु मास का, मतलब हेमंत ऋतु में कौन सा महीना होता फ्रेंड्स, हेमंत ऋतु में कौन सा महीना होता फ्रेंड्स। ये ऋतुएँ जो आठ प्रकार की बताई हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो हेमंत ऋतु है फ्रेंड उसके अनुसार कौन सा महीना होता है, आप बताएंगे आपके हिसाब से करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर पौष, पौष को हेमंत ऋतु का महीना माना जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे अपन। हाँ फ्रेंड्स ये देखिए, मतलब संख्या से क्वेश्चन बनते ही हैं फ्रेंड्स, संख्या से लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और लगातार बनते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आपको जो संस्कृत में गिनती है वो हर प्रकार से आनी चाहिए फ्रेंड्स, मतलब संस्कृत से गिनती में दूसरा क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, तो आपको संस्कृत की गिनती प्लस धातु प्रत्यय शब्द रूप धातु रूप इनसे क्वेश्चन बन रहा, तो आपको अपना स्कोर यहीं से गेन करने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहीं से निकाल लेना। 3:33 इति घंटा में अक्षरे लिखा, मतलब 3:33 को घंटा में कैसे लिखेंगे संस्कृत में। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दिए गए, आप बताएंगे करेक्ट आंसर। तो 3:33 को कैसा लिखेंगे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है फर्स्ट त्रा स्त्रिस दधिक त्रिवादनम, त्रा स्त्रिस दधिक त्रिवादनम एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। देखिए त्रा स्त्रिस दधिक त्रिवादनम करेक्ट आंसर। राजति इत्यस्य लोट लकारे किम, राजति जो है लोट लकार में कौन सा रूप होगा। तो फ्रेंड्स राजति का लोट लकार में कौन सा रूप होगा, आपके सामने ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, आप चार ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए चार ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा आपके हिसाब से। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर राजति का लोट लकार में राजतु होगा, राजतु सेकंड करेक्ट आंसर राजतु। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। त्रि त्वरा धातु कित्वा प्रत्यय रूप किम, ये हैं चार ऑप्शन फ्रेंड्स आपके सामने। तो चार ऑप्शन में आप बताइए, आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। चार ऑप्शन में कित्वा धातु, जो कित्वा धातु है कौन से प्रत्यय में आएगी। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप बताएंगे त्वरित्वा, त्वरित्वा करेक्ट आंसर, त्वरित्वा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे अपन। पंच शब्द का द्वितीय बहुवचन कौन सा होगा फ्रेंड्स, पंच शब्द का द्वितीय बहुवचन कौन सा होगा। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। तो फ्रेंड्स पंच शब्द का द्वितीय बहुवचन पंच होगा, पंच, पंच का द्वितीय बहुवचन पंच होगा करेक्ट आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। धनात किम आपनौती, धनात मतलब धन किसके लिए कार्य करता है, आपनौती मतलब ग्रहण किया जाता है, अर्जित किया जाता है। तो धर्मम, धर्मम धनम किम आपनौती, तो धनम धर्मम आपनौती, आपनौती। तो करेक्ट आंसर 19 का सेकंड धर्मम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते अपन। नौ शब्द का अर्थ क्या होता है, आपके सामने चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप बताएंगे नौ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप बताइए नवा प्रत्यर्ग प्रत्यर्ग नवी, फ्रेंड्स नौ शब्द का अर्थ प्रत्यर्ग, प्रत्यर्ग करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स MP TET का एग्ज़ाम है, आप MP TET का सभी टेट से बहुत ही डिफरेंट एग्ज़ाम आता फ्रेंड्स और बहुत ही लेवल अच्छा रहता थोड़ा सा, तो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मेहनत करने की फ्रेंड, क्योंकि इसमें मतलब सिलेबस CTET जैसा है लेकिन क्वेश्चन CTET जैसे नहीं बनाता फ्रेंड्स। CTET क्या है, लेंथी क्वेश्चन बनाता है और उसमें से आंसर निकलवाता है एक शब्द,
और इसमें एक ही शब्द रहता है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम जा सकती है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप इस टाइप की प्रैक्टिस करते रहिए और जो कि आपको सफलता के बहुत करीब ले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। भवान इत्यस्य बहुवचनम किम, भवान का बहुवचन क्या होगा फ्रेंड्स? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो आप बताएंगे चार ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा आपका। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। भवान का बहुवचन में करेक्ट आंसर होगा वामु करेक्ट आंसर वामु। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे अपन। कृति किसका पुत्र था? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, कौंते, कौबेर, माणिक, कार्तिकेय। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर कृतिका कार्तिकेय का पुत्र था। करेक्ट आंसर कार्तिकेय। फ्रेंड्स हाँ, आपके आंसर का स्कोर में कितना स्कोर प्राप्त कर पा रहे, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 30 आउट ऑफ कितने आ रहे हैं आपके वो मायने रखता है। क्योंकि आप अगर ऐसी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर अच्छा होता जाएगा फ्रेंड, क्योंकि 30 में आप कितना ला पा रहे हैं, क्योंकि जैसी सीरीज में 30 क्वेश्चन की चला रहा हूँ ऐसा ही एग्जाम में आएगा फ्रेंड्स। तो 30 में आपको 28-29 ला सकते हैं अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। इसी के साथ अपन 23 की बात करने जा रहे हैं। सिंधु शब्द कस्मिन लिंगे वर्तते, सिंधु शब्द किस लिंग में है आता है फ्रेंड्स? सिंधु शब्द किस लिंग में आता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आप बताएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। सिंधु शब्द कौन से लिंग में आता है? तो सिंधु शब्द पुलिंग में आता है फ्रेंड्स, पुलिंग। करेक्ट आंसर पुलिंग। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे अपन। कश्मीर इत्यस्य वर्णन पृथक पृथक लिखत, कश्मीर जो है फ्रेंड्स कश्मीर को अलग अलग तोड़ के, कश्मीर को अलग अलग तोड़ के कौन से उसमें लिखा जा सकता है? तो फ्रेंड्स आप बताएंगे करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट करेक्ट आंसर। हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत ज़रूरत है देखने की कि मतलब कौन सा आंसर सेट हो रहा। आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट कैसे आंसर, ये देखिए फोर्थ भी सेम है, बस का में आधा का नहीं है, बाकी पूरा सिंगलर था। तो फ्रेंड्स इस टाइप के शब्दों को आपको बहुत केयरफुली देखने की ज़रूरत रहती है। देखिए इसमें का भर अलग था, बाकी पूरा सेम था। तो इस टाइप के अक्षरों को आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से देखना है और अपने नंबर कंफर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। पतितव्यम इति पद पृथक क्रोध, पतितव्यम में कौन सा पद अलग करने से आता है? तो फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आप बताएंगे चार ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 2 सेकंड का टाइम दिया और आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर पतलतव्यम। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। एसो अत्र इत्यस्य संधि विच्छेद कुरुत, एसो अत्र जो है फ्रेंड्स इसका संधि विच्छेद क्या होगा? फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संधि, समास, धातु, प्रत्यय से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो फ्रेंड्स सेम सिलेबस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी संस्कृत में वही है, तो सेम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग संधि, समास, प्रत्यय से क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरा प्रयास फ्रेंड्स ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। तो इसलिए मैं आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और आपको फ्रेंड्स मेरा प्रयास कैसा लगता आप बताएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे फ्रेंड्स। तो 26 का करेक्ट आंसर एसोवत्र इत्यत्र संधि विच्छेद करता है। तो एसोवत्र में संधि विच्छेद क्या है? तो करेक्ट आंसर थर्ड, ऐसा धन अत्रह, करेक्ट आंसर ऐसा धन अत्र। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलेंगे।
पैसा इति पदस मूल रूपम किम, पैसा में कौन सा मूल रूप है पैसा में। तो फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे पैसा में मूल शब्द कौन सा है, क्या पायस है, क्या पयस है, क्या पयस है, पयास है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, तो पयस का मूल शब्द होता है पयस, आधा सा, मतलब इसको आधा सा बोला जाता है फ्रेंड्स, इसमें सा में आ छिपा रहता है, आधा सा बोला जाता है। तो पयस का मूल शब्द ये है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलेंगे अपन। 28, मृगो अतृप्त पूरयत, मतलब मृगो, मृग क्या करते फ्रेंड्स, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, मृगा, मृग मतलब मोर क्या करते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। तो करेक्ट आंसर मृगो धावंती, मतलब मृगा धावंती, मृगो धावंती, जो रिक्त स्थान है धावंती, करेक्ट आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी फ्रेंड्स, मृगो धावती होता है, मृगो धावती, करेक्ट आंसर थर्ड आएगा, धावती, धावती, सॉरी फ्रेंड्स गलत हो गया था, मृगो धावती आएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, धावती करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। आधी कहा, आधी कहा, तो आधी कौन सा रोग होता फ्रेंड्स, आधी में, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, आप बताएंगे करेक्ट आंसर आधी। तो आधी किसको कहते हैं फ्रेंड्स, हृदय रोग को कहते हैं, आधी जो कहते हैं फ्रेंड्स हृदय रोग, हृदय रोग, हृदय रोग, आधी कहते हैं हृदय रोग को। फ्रेंड्स आपको अभी लेवल कठिन लगेगा, लेकिन पूरा प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसी टाइप का पेपर आएगा, तो आप ऐसी लैंग्वेज कीजिए भले आपको टफ लगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी टफ क्वेश्चन करेंगे तो बाद में आपको प्रॉफिट रहेगा, और अगर अभी आप इजी क्वेश्चन के उससे भागेंगे तो इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे फ्रेंड्स। लेवल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको इसी लेवल पर तैयारी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन किम, भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष में कौन सा वचन आएगा फ्रेंड्स, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे। तो भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष में, आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। तो भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष में अवताम, अवताम इज द करेक्ट आंसर, अवताम करेक्ट आंसर। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, मैं सब्सक्राइब के लिए क्यों बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब में क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा फ्रेंड्स। अभी मैंने क्लास का डिसाइड नहीं किया है, लेकिन फिर आपको क्या करूँगा कि टाइम टू टाइम क्लास का टाइम टेबल बता दूंगा कि 10 बजे कौन सी क्लास आएगी, 2 बजे कौन सी आएगी, तो अपन वैसे प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 सब्जेक्ट की डेली प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे क्या आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, जो कि सफलता के बहुत करीब ले जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ फ्रेंड्स। हाँ टफ रहते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन फ्रेंड इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आना है तो क्यों ना अपन टफ क्वेश्चन से ही करें, इजी क्वेश्चन क्यों करें, क्योंकि सारे लोग जो करवा रहे हैं इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स। तो आप इसी के साथ बने रहिए अपने चैनल पर स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ, जब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।